हेलो गाइज, आज अपन एक न्यू आइडियाज़ लेके आए हैं जिसमें बात करेंगे अपन कि जो पीओपी है या पीवीसी है उसके द्वारा अपन कैसे एक डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। इसमें खास तौर से अपन ने दो जो बास्केट टाइप के हैं ये लिए हैं अपन ने, और दोनों की साइज़ में डिफरेंस है। और इसके बाद में इनकी जो छेद हैं, पोर्स हैं, इनके अंदर अपन क्या करते हैं, वाइट टेप जो है वो लगा लेते हैं। टेप लगाने के कारण से इनकी जो पीओपी है, लिक्विड पीओपी है, वो बाहर की तरफ लीकेज ना हो, उसको कवर करने के लिए अपने इसके ऊपर टेप है वो लगा देते हैं। और साथ साथ टेप के कारण से इसमें जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। अब नीचे की तरफ जो तली है वहाँ पर भी अपन इसका टेप से इसको कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इनको सेट करने के बाद थर्माकोल की कटिंग कर लेते हैं, और थर्माकोल को नीचे जो बेस है उस बेस के अंदर कटिंग करके जैसे इसकी शेप और साइज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लेते हैं थर्माकोल को, यहाँ पर इसमें फिट कर दे इसके तली के अंदर। और इसमें चार जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं कटिंग है वो डाल सकते हो आप, ताकि इसके नीचे जो सपोर्ट है वो बन जाए, चार बेस बन जाए इसकी इसलिए। और साइडों के अंदर कुछ इस प्रकार से आप कटिंग करके बना सकते हो ताकि साइडों के अंदर भी जो लीकेज है वो ना हो पीओपी की। अब ऊपर वाली जो बास्केट है वो कुछ इस प्रकार से अपने इसको लगा देते हैं ताकि बीच में दोनों के थोड़ा सा गैप रहे। ये बेस को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए अपन देखते हैं तो इसमें छोटे से टाइल के जो पीसेस हैं वो अपन डाल देते हैं ताकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मजबूती मतलब थोड़ी सी इसमें रहे। उसके लिए अपन इसमें टाइल्स के जो टुकड़े हैं वो डाल देते हैं बेस में। अब अपने वाली जो ऊपर वाली जो है वो लगा के इसमें नीचे पहले, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि पीओपी जो है वो नीचे पैंदे के तक पहले भर ले, और या फिर थोड़ी और ज्यादा अपन भर सकते हैं इसमें पीओपी। अब इसमें भर कर अपन ज्यादा इसमें डाल लेते हैं, और छोटे वाली जो बास्केट है उसको रखकर अपन उसको प्रेस करेंगे ताकि साइडों से जो पीओपी है वो ऊपर की तरफ उनका लेवल है वो बढ़ जाए कुछ इस प्रकार से। और ऊपर का जो लेवल है उसको अपन बाहर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रख लेंगे अपन जिसमें थोड़ा वजन हो, तो यहाँ पर वजन वाली चीज इसको रखकर यहाँ पर इसको अपन दबा देंगे इसको। तो कोई भी मिट्टी से भरा हुआ कोई भी चीज हो जो आप इसको रख सके वहां इसको ऊपर रख दें ताकि ये स्टेबल रहे। जैसे यहाँ पर एक मिट्टी का पोट है मैंने वो रखा है, और साइडों से इसमें अपन पोर कर सकते हैं, जो आपने पीओपी का घोल बना रखा है उसको पोर करें साइड से, और धीरे धीरे इसका लेवल है वो इसमें देखते रहें। और साइड में लास्ट टाइम पर इसको थोड़ा सा हल्का सा हिला देना ताकि जो लेवल है वो एकदम इक्वल हो, और नीचे की तरफ पैंदे में जितना जा सकता है वो बैठ जाए। अब देखो ये सूखने के बाद में एकदम तैयार है, तो यहाँ पर अपन ऊपर वाली जो है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, अभी पूरा सूखा हुआ नहीं है हालांकि, और नीचे वाली जो है वो कंप्लीट सूखने के बाद में, ड्राई होने के बाद में अपन निकालेंगे 24 घंटे के बाद। तो यहाँ पर अब देखो सूख चुकी है वो, पहले सबसे पहले इसकी जो टेप है वो अपन निकाल लें। अब अपन थोड़ा सा जो बॉइल वाटर है वो ले लेते हैं, और बॉइल वाटर लेकर इसके ऊपर डालते हैं ताकि जो प्लास्टिक है वो थोड़ी लूज पड़ जाए और इजीली अपना जो प्रोडक्ट है वो निकल जाए। तो जैसे ही अपन बॉइल वाटर इसके ऊपर डालते हैं तो प्लास्टिक है वो इसको छोड़ देंगे, और अपन जो बना है अपना बास्केट टाइप का डिजाइन वो बाहर निकाल देंगे अपन इसको। तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे सावधानी से, और आप इसको कुछ इस प्रकार से निकाल देंगे। ये देखो नीचे की तरफ थर्माकोल लगा हुआ है, उसको अपन हटा देंगे बाद में। तो कुछ इस प्रकार देखो डिज़ाइन कितनी, तो ये इतनी अच्छी डिज़ाइन दिख रही है जैसे कि जैसी जो बाहर की तरफ शेप थी वो की वो इसके ऊपर प्रिंट हुई है। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रोडक्ट बना है पीओपी से। और अब अपन हल्का से इसको घिसाई करके इसके अच्छे से शेप तैयार कर सकते हैं।
तो इसको हल्के हाथ से इसको घिसें ताकि इसकी अच्छे से शेप, आप इसकी जो कॉर्नर है उनका ध्यान रखें और इसकी शेप है वो एक अच्छी तैयार कर सकते हैं। जो भी डस्ट है, डस्ट को कम्प्लीटली अपन रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट अपने पास सामने आता है। ये बनके रेडी है और बाहर की तरफ देखो कितनी शार्पनेस है और क्लियरिटी है। तो कुछ इस प्रकार की घिसाई करने के बाद में बनता है। अब लास्ट के अंदर देखो मैंने इसको कलर करके और डेकोरेट किया है, माँ सरस्वती के लिए इसको रखा है और यहाँ पर कुछ डेकोरेशन फ्लावरिंग वगैरह लगा के और माँ सरस्वती को यहाँ पर विराजमान किया है। तो ये आप भी, आप लोग भी अपने घर पर बना सकते हो। मैंने माँ सरस्वती के लिए बनाया था ये, और उम्मीद करता हूँ गाइज आपको कैसा पसंद आया है। और भी इसी प्रकार के जो आइडियाज़ हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू आइडियाज़ अपने वाइट सीमेंट, POP, थर्माकोल से रिलेटेड होम डेकोरेटेड आइटम कैसे बनाएं, उन सभी चीज़ों के लिए अपन नए जो आइडियाज़ है वो लाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।